नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं एस्ट्रोलॉजर माधव शर्मा कुछ जीवन राशि फल के यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मकर राशि के नवंबर 2022 के राशि फल को लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हूं। अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, और जिन्होंने हमारा खुश जीवन राशि फल यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सभी वीडियोज आप तक पहुंच सकें। कमेंट बॉक्स में अपने ईष्ट भगवान का नाम अवश्य लिखें। आइए मकर राशि के राशि फल को हम शुरुआत करते हैं। उससे पहले हम जानेंगे कि कौन कौन से भाव एक्टिवेट हो रहे हैं और कौन कौन से ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है। सूर्यदेव, बुधदेव और शुक्रदेव ये ग्रह अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति की बात करें तो वे मार्गी अवस्था में गोचर करना शुरू करेंगे वक्री अवस्था से। शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम राशि स्वामी को लेकर, यानी शनिदेव। मकर राशि के राशि स्वामी शनिदेव बनते हैं। अगर मैं बात करूं उनके गोचर को लेकर तो चंद्र लग्न से ही गोचर कर रहे हैं, यानी मकर राशि से ही गोचर कर रहे हैं। राशि स्वामी के ऊपर से मतलब उसी राशि में से गोचर शुभ गोचर माना गया है। हालांकि यह आपकी 7:30 का भी समय है, क्योंकि जन्म के चंद्रमा के ऊपर से शनि का गोचर आपके लिए पीक 7:30 मानी गई है। बात करें शनि के फलों को लेकर तो शनिदेव यहाँ पर तृतीय भाव, सप्तम भाव और दशम भाव तीनों भावों को प्रभावित कर रहे हैं। अगर हम बात करें तीसरी दृष्टि से तो अत्यधिक मेहनत कराने वाले हैं, कार्य क्षेत्र में रिस्क भी आप रहने वाले हैं, यात्राएं भी आपको आपके कार्य को लेकर हो सकती हैं। सप्तम दृष्टि की बात करें तो सप्तम भाव पर पड़ रही है, बिजनेस को लेकर, पार्टनरशिप को लेकर यह भाव एक्टिवेट हो रहा है। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की भी अगर हम बात करेंगे तो तृतीय भाव में बैठकर सप्तम भाव पर पंचम दृष्टि से उस भाव को एक्टिवेट कर रहे हैं। यानी मकर राशि वाले जो भी जातक बिजनेस से रिलेटेड हैं, बिजनेस से जुड़े हुए हैं, उनके लिए यह गोचर शुभ गोचर रहने वाला है, क्योंकि यह भाव उनका एक्टिवेट हो रहा है। साथ के साथ सप्तम भाव में कर्क राशि आ रही है तो उसके स्वामी यानी जन्म के चंद्रमा के ऊपर से शनि का गोचर दोनों तरीके से सप्तम भाव को प्रभावित कर रहा है। शनि की दशम दृष्टि की अगर हम बात करें तो दशम भाव पर पड़ रही है, जो कि कार्य क्षेत्र का जॉब का माना गया है, तो उसके लिहाज से भी मकर राशि वालों के लिए शुभ समय है। जो भी जातक जॉब के अंदर है, अपना करियर बना रहे हैं, नई जॉब के लिए तलाश भी कर रहे हैं, उनके लिए भी यहाँ पर दशम भाव एक्टिवेट हो रहा है। दशम भाव के स्वामी को लेकर हम बात करते हैं तो शुक्रदेव बनते हैं। शुक्र का गोचर अपने ही राशि तुला राशि से हो रहा है, यानी दशम भाव से हो रहा है, तो यानी दशम भाव फिर से एक्टिवेट हो रहा है और दशम भाव के फलों को मिलने के इस माह के अंदर पूरे चांसेस बन रहे हैं। दशम भाव के अंदर बुध का गोचर भी है, जो कि नवम भाव के स्वामी है, अत्यंत शुभ है, कारक ग्रह माने गए हैं। अगर हम बात करें मकर राशि वालों के लिए यहाँ पर शुक्र, बुध और शनि, क्योंकि शुक्र और बुध का गोचर दशम भाव से हो रहा है और शनि की जो दशम दृष्टि है वो दशम भाव पर है, यानी जॉब और करियर को लेकर मकर राशि वालों के लिए शुभ समय माना गया है। बात करते हैं यहाँ भाग्य को लेकर, भाग्य भाव के स्वामी बुधदेव बनते हैं। नवम भाव का स्वामी का यानी नवमेश का दशम भाव से गोचर शुभ समय है, यानी आपके भाग्य में भी वृद्धि होने वाली है। धन की बात करें तो धन भाव के स्वामी बनते हैं शनिदेव, क्योंकि धन भाव के अंदर कुंभ राशि आती है, वो कि धनेश का अगर चंद्र लग्न से संबंध है या फिर चंद्र लग्न के स्वामी का अगर आपके धन भाव से संबंध है तो धन के लिहाज से गोचर शुभ माना जाएगा। तो यहाँ पर धन भाव के स्वामी शनिदेव का अपनी ही राशि से गोचर धन के लिहाज से शुभ समय माना गया है। बात करते हैं अब हम यहाँ पर पंचम भाव को लेकर, यानी बुद्धि को लेकर बात करें, संतान को लेकर बात करें, क्योंकि पंचम भाव का एक्टिवेट होना भी पद प्राप्ति की ओर इशारा करता है, संतान की तरफ भी इशारा करता है, अच्छे डिसीजंस लेने के लिए यानी बुद्धि को लेकर भी यहाँ पर इशारा करता है। तो पंचम भाव के स्वामी का दशम और लाभ इन दोनों भावों से कनेक्शन भी हो रहा है। साथ के साथ मैं अगर बात करूँ राशि परिवर्तन को लेकर तो शुक्रदेव, बुधदेव और यहाँ पर सूर्यदेव दशम भाव से निकल कर लाभ भाव में इसी माह में गोचर करना शुरू करेंगे, जो कि शुभ समय माना गया है। पारिवारिक स्थिति की अगर हम बात करें तो चतुर्थ भाव में राहु का गोचर है, मंगलदेव छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, पारिवारिक स्थिति को लेकर यहाँ पर थोड़ी सी परेशानी देखने को मिल सकती है। राहुदेव यहाँ मंगल की राशि में है और मंगल यहाँ छठे भाव में है, तो यहाँ पर थोड़ी सी ईगो प्रॉब्लम भी आपकी अपने परिवारजनों के साथ में समस्या बन के उभर सकती है। द्वादश भाव के स्वामी की बात करें तो द्वादश भाव के स्वामी तृतीय भाव में है, सप्तम दृष्टि से नवम भाव को प्रभावित कर रहे हैं, और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर लाभ भाव को भी नवम दृष्टि से प्रभावित कर रहे हैं, तो यहाँ पर द्वादश भाव भी एक्टिवेट हो रहा है, यानी यात्राएं यहाँ पर
मकर राशि वालों के लिए पॉसिबल हो सकती हैं, क्योंकि गुरु का नवम, द्वादश और तृतीय तीनों से कनेक्शन है। अगर दशाएं देवगुरु बृहस्पति से या शनि से रिलेटेड चल रही हैं तो यात्राओं को लेकर अगर हम बात करें यहाँ पर, तो शुभ समय यानी शुभ यात्राएं आपको देखने को मिलेंगी। मंगल की चतुर्थ जो दृष्टि है वो आपके भाग्य भाव पर पड़ रही है, तो यहाँ पर आपके परिवारजनों के सपोर्ट से भी आप यहाँ पर आगे बढ़ सकते हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें, जॉब और करियर बहुत अच्छा रहने वाला है। दशम भाव एक्टिवेट हो रहा है, नए नए इनकम सोर्सेज आपको मिलेंगे। अगर मैं बात करूं यहाँ पर बिजनेस को लेकर, तो सप्तम भाव भी एक्टिवेट हो रहा है। शनि और गुरु द्विग्रही गोचर सप्तम भाव पर हो रहा है। और अगर मैं बात करूं मानसिक रूप से परेशानी की, तो थोड़ी सी मानसिक रूप से परेशानी रह सकती है। धन्यवाद।